बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़े बेहतर अंदाज में आपने जज़ाकअल्लाह खैर तजारती कवानीन के जो इदारे हैं उनका तारुफ पेश किया, लेकिन पहला जो जिस बात का आपने तस्करा किया नज़रियतुल उक़ूद का, हाँ जी, कि ये एक जगह पर मौजूद नहीं थे पहले, अभी इसका थोड़ा ट्रेंड चला है, तो पहले क्यों मौजूद नहीं थे ये एक जगह पर। दूसरा ये है कि आपने तस्करा किया कि मगरिब का मगरिब जो है अभी इस तरफ आ रहा है कि जितने भी उक़ूद हैं उनको तफसील के साथ तो उनका सोर्स क्या है। तीसरा ये है कि आपकी पूरी जो गुफ्तगु है उससे सिर्फ ये मालूम हुआ कि एक ही इदारा है स्टेट बैंक जो तजारत के कवानीन बनाता है। अच्छा, बाकी ठीक है जी। वो शायद कुछ बातें जो है वो मैं शायद सही तरह बयान नहीं कर पाया। जहाँ तक इनकी पहली बात यह है कि मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर हम कहें ना पाकिस्तान का तिजारती कानून, तो हमें एक कानून नहीं है, मतलब मुख्तलिफ कवानीन का हो सकता है किसी ने मजमुआ मुरतब किया हो तो आपको वो मजमुआ मिल जाए, लेकिन आप कहें कि पाकिस्तान का तिजारती कानून आपको इकट्ठा मिल जाए ये नहीं होगा। तिजारती कवानीन होंगे, मतलब मुख्तलिफ कवानीन होंगे, वो आपको लहदा लहदा पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कहा यह बेआईन ही इसी तरह है जिस तरह हमारी फ़िक़्ह की किताबों में किताबुल बुयू का चैप्टर अलग है, किताबुल इजारा का चैप्टर अलग है, शारिका का चैप्टर अलग है, हर एक का चैप्टर, यानी किसी फिक की किताब में किताबुल अक्द है, किताबुल अक्द नहीं है ना, किताबुल अक्द है ही नहीं, कि जहां वो कहें कि जितने भी उकूद हैं सब की बहस इकट्ठी करके इधर रख दिया जाए। हाँ, ये पिछली सदी में हुआ है कि हमारे मगरिब जो अरब स्कॉलर्स हैं उन्होंने नज़रियतुल अक्द एक फुकाह की किताबों से निकाल कर एक नज़रियतुल अक्द बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, इनका सवाल ये था कि फुकहा ने ये क्यों नहीं किया। भाई उसकी वजह जो मेरी मुझे समझ आती है, डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमाएं वो शायद बेहतर जवाब दे सकें, कि हर अक्द की एक अपनी खासियत है, उसके अपने अरकान हैं, अपनी शरायतें हैं, अपने अहकाम हैं, उनको इकट्ठा करेंगे तो आप कहेंगे ये हुक्म है इससे ये चीज़ें मुस्तस्ना हैं। यानी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि देखिए कहीं गरर काबिल एतबार है, कहीं गरर काबिल एतबार नहीं है। अब आप किताब वो देखो कुदुल मुआवदात में हम कहते हैं गरर काबिल एतबार है, वहाँ गरर होगा तो अक्त दुरुस्त नहीं होगा, ही बात जो हिबा है उसमें नहीं है, फिर कहीं सभी मुमैयज़ अक्त कर सकेगा कहीं नहीं कर सकेगा। तो हमारे फुकाह के हाँ जो एक बात रही है कि वो कहते थे कि हर अक्त को अलहदा अलहदा तौर पर जिक्र किया जाए। अच्छा, अब पिछली क्योंकि पिछली दो तीन सदियों में मगरिब की तरफ ये तसव्वुर था, यानी उन्होंने और जब अरब स्कॉलर ने उसी तासुर के तहत ही नज़रियतुल अक़्द निकाला है, उन्होंने जब देखा ना कि फ़्रांस और बरतानिया के कानून में इस तरह एक कानून मौजूद है जिस तरह तमाम उकूद को समो दिया गया है, तो उन्होंने फिर ये उस असर के तहत जो है ये कोशिश की थी कि शरीयत के अंदर भी एक नज़रियतुल अक़्द होना चाहिए। हम इस काविश की जो से मतलब इनकार नहीं कर रहे, उसकी इफादियत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अब कुछ अरसे से मगरिब भी ये बात तस्लीम कर रहा है कि सिर्फ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बनाने से काम नहीं चलता, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग कानून साजी करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप आज भी मगरिब में पढ़ें और एक टर्म लिखें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसके तहत ही वो डिबेट करते हैं कि भाई क्या एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी यूनिफॉर्म एक कानून होना चाहिए या हर अक्त के लिए जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो एक वजह तो इसकी ये है कि भाई वो, अब इनका दूसरा सवाल था कि उसकी वजह क्या है, यानी वो उन्होंने ये सफ़र किस तरफ क्यों ये शुरू किया, हाँ सोर्स क्या है, तो शायद उन्होंने ये बात तजर्बे से सीखी हो, शायद ये बात तजर्बे से सीखी हो। हाँ, अलबत्ता इस पर भी एक अपनी गुफ्तगु मौजूद है कि दुनिया में दो बड़े कानूनी निज़ाम हैं, एक निज़ाम बरतानिया का है और एक निज़ाम है फ्रांस का निज़ाम मौजूद है। बहुत सारे मौक़िकीन ने इस पर लिखा है कि जो फ्रांस का निज़ाम कानून है वो किसी हद तक मालिकी स्कूल ऑफ थाट से उन्होंने चीज़ें ली हैं एक ज़माने में, क्योंकि आपने देखा ना मुसलमान फ्रांस तक पहुंच चुके थे, यानी जब मुसलमानों ने स्पेन फतह किया तो फ्रांस और मुसलमान यानी उस वक्त मुसलमानों का बॉर्डर जो था वो फ्रांस के साथ था, तो फ्रांस के साथ तो लेन देन था हमारा, वो पस्ती में थे और हम कहाँ थे, तो मालिकी स्कूल ऑफ थाट का किसी ना किसी हद तक कहीं ना कहीं उसका असर मौजूद है, चाहे वो तस्लीम करें या ना करें। और जहाँ तक जिसे कामन ला कहते हैं यानी बरतानिया का जो निज़ाम कानून है, दोनों तरफ से भाई बातें मौजूद हैं, मुहक्किकीन ने लिखा है उसमें, वो कहते हैं कि किसी हद तक अनफी स्कूल ऑफ थाट का इस पर असर मौजूद है। अच्छा, ये बात क्यों की गई है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो बरतानिया का तआमुल था उस वक़्त
वो बरसगीर के ऊपर था या तुर्की के साथ ये चीज़ें कर रहे थे, और इन दोनों बड़ी सल्तनतों में जो कानून नाफिज था वो हनफी फिक थी। यानी खुद ये देखिए कि औरंगज़ेब आलमगीर यहाँ जो कानूनी इस्लाहात कर रहा था वो चीज़ें बरतानिया ने बाद में ली हैं। यानी जहाँ जो कानूनी इस्लाहात औरंगज़ेब आलमगीर ने यहाँ जो मुतारिफ़ करवाई हैं, बरतानिया की तारीख ये बताती है कि कुछ 20 साल 25 साल 30 साल बाद वो कानूनी इस्लाहात वहाँ ली गई हैं। तो इससे ये बात, और वो इस अरसे में वो यहाँ मौजूद भी थे, तो इससे पता चलता है कि वो तस्लीम करें या ना करें, उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ से ली हैं। अब मुझे एक और दिलचस्प बात याद आ गई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो एक जो उनका आखिरी डायरेक्टर था उसका नाम था आर्चिबाल्ड गैलवे। आर्चिबाल्ड गैलवे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक टास्क दिया कि जनाब आप ये मुताला करें कि इस वक्त जो कानून नाफिज है, राइज है बरसगीर में, वो कैसा है, और जो हमारा निज़ाम कानून है वो कैसा है। तो ये किसी मुसलमान की गवाही नहीं, आप कहें तल्ली है, तासुब है या वो मुतसल्लिब है। आर्चिबाल्ड गैलवे ने आखिर में ये कंक्लूड किया है, यानी उसका नतीजा ये निकाला है कि यहाँ जो निज़ाम कानून नाफिज है वो हमारे निज़ाम कानून से बदरजहा बेहतर है, यानी बदरजहा बेहतर है। यानी ये उस ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदी, अब उन्होंने हमें पस्ती की तरफ धकेला है। असल में बदकिस्मती हमारे साथ ये हुई है जो सबसे बड़ी, हमें अपनी तारीख से काट दिया गया है। हमें सिर्फ ये बताया गया कि आपके बादशाह ऐशो इशरत में पड़े रहते थे, उनके यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं था, ये था ये था ये था। आपको और मुझे तारीख पढ़ाई जाती है ईस्ट इंडिया के आने से या 47 से। भाई औरंगज़ेब आलमगीर ने जो 50 साल यहाँ हुकूमत की है, अकबर ने की है, बाकी लोगों ने की है, आप क्या एक किसी छोटे से मामूली निज़ाम के बगैर दो दिन भी ये इदारा चला सकते हैं? नहीं चला सकते। यानी एक छोटा सा इदारा आप निज़ाम के बगैर नहीं चला सकते। तो आलमगीर ने 50 साल उस सल्तनत चलाई है कि जो, यानी उसमें आज 5-6 ममालिक शामिल हैं, तो वो कैसे चलाई है? असल मसला ये हुआ है कि हमें अपनी तारीख से काट दिया गया है। हमें बस वो मगरिब की तारीख पढ़ाई जाती है, दौरे तारीख था, अहद तनवीर आया, ये हुआ। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि मगरिब का एक अपना किरदार है, उन्होंने तरक्की की है, उनकी काविश है, उनकी मेहनत है, इल्म को आगे लेकर गए हैं। भाई ये तो एक तस्सुब होगा ना, हम कहें कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन जो हमने अपने दौर में किया था उससे हमें काट दिया गया है। असल में ये मसला हुआ। तो इसलिए ये एक, यानी इस बात पर वो तो नहीं मानते, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है कि बरतानिया का जो कानून है वो बड़ी हद तक हनफी फिक से मुतासिर था। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इनका तामुल चल रहा था सल्तनत उस्मानिया के साथ और बरसगीर के साथ, उस वक्त इन दोनों में बकायदा तौर पर हनफी फिक राइज थी, सरकारी सतह पर हनफी फिक राइज थी। और इसके शवाहिद भी मिलते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर ने जो कानूनी इस्लाहात की थी वो वहाँ लेकर गए थे। ये औरंगज़ेब आलमगीर ने सबसे पहले ये कहा था कि अगर किसी बंदे को आप गिरफ़्तार करेंगे तो अगर पुलिस ने उसके लिए तफ्तीश करनी है तो पहले उसे अदालत में पेश किया जाए, जज साहब से काजी साहब से उसका रिमांड लिया जाए। ये औरंगज़ेब आलमगीर की है, यानी ये कानूनी इस्लाहात जो थी उसकी थी। उसने कहा कि अगर आपने उसे बंद करना है तो उसे काजी से पूछें कि भाई एक दिन इसको अपने पास रख सकते हैं। तो ये बरतानिया में उसके बाद आया, तो इसलिए ये तो हो सकता है, लेकिन हतमी तौर पर इस पर नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किस असर के तहत ये किया। अच्छा, जहाँ दूसरा तजारती कवन, जो आपने ये कहा कि स्टेट बैंक, नहीं स्टेट बैंक के साथ साथ मैंने अर्ज़ किया था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक इदारा है, ये ब्लू एरिया में उनकी बिल्डिंग है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। निगरान इदारे बड़े यही दो हैं, यानी निगरान इदारे जो हैं, जो यानी अवामी सतह पर जो तजारत होती है उसको जो कंट्रोल करते हैं, बड़े दो निगरान। लेकिन ये निगरानी है, लेकिन इनके लिए मतलब बैंकिंग के लिए तो आप समझें कि बुनियादी तौर पर यही दो इदारे हैं, यानी यही दो इदारे हैं जो स्टेट बैंक है और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। यानी वो जो भी, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था बैंक एक कंपनी है, जो चीज़ भी कंपनी के तहत बनेगी उसने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाना ही जाना है। तो ये बड़े, इनके पास ये इख्तियार अपने पास मौजूद हैं। आपने जो एक बात में कही थी कि एक अच्छी पेशरफ्त है जी, लेकिन फ़िलहाल तो खैर वो अपने नतीजे पे नहीं पहुंची, लेकिन बिलाखिर पहुंचेगी। हाँ, तो देखिए आपने ये भी इसमें बात फरमाई है कि इस्लामी बैंकारी या जो भी बैंक हैं वो तमाम की तमाम स्टेट बैंक के मातहत है जी, जब तक स्टेट बैंक कायम रहेगी तब तक ये ख़राबी तो जाएगी नहीं। इसकी मिसाल, मेरी बात पूरी होने दे, इसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि एक कुएं में कुत्ता पड़ा हुआ हो
और आप कहें कि एक अच्छी पेशरफ्त कर दें, पानी निकाल दें, ये पेशरफ्त तो बेकार है जब तक उताना निकाला जाए। तो ये जब तक ये इस्लामी निज़ाम कायम न किया जाए तब तक इस्लामी बैंकारी मुकम्मल तरीके से इस्लामी नहीं बन सकती। एक दूसरी बात जो आपने फरमाई कि बिजली के गैस और बिजली और इसके गैस ये इसमें जो है वो, तो पहली बात ये कि जो बिजली के और गैस के जो बिल्स हैं ना, ये आया इजारा है या बे? मेरी राय के मुताबिक ये इजारा है, बे नहीं है, क्योंकि एक तरफ आप पैसे दे रहे हैं, किराया अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुनाफे जो है वो हासिल करते हैं। इजारे के अंदर जो है वो सूद नहीं हुआ करता, ये एक मेरी राय है, इस पर आप तसरा फरमाएं, लेकिन पहली जो राय है उसके ऊपर सबसे पहले आप। हाँ अच्छा, जो वो मुझे आपकी उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है, यानी ये देखिए कि जब तक आप सियासी यानी पॉलिटिकल विल नहीं ना होगी आपकी, यानी जब तक रियासत नहीं जाएगी, यानी उस वक्त तक आप जुज़वी कामयाबी तो हासिल कर सकते हैं लेकिन उस तरह का इस्लामी निज़ाम कायम नहीं कर सकते। हाँ ये यानी इसको आपने कहा कि जब तक स्टेट बैंक मौजूद है, मैंने ये नहीं, मैंने कहा कि जब तक स्टेट बैंक अगर चाहेगा, यानी यानी ये देखिए कि अगर रियासत आज चाहे, यानी रियासत अगर आज चाहे, स्टेट बैंक अगर आज चाहे कि सारे कन्वेंशनल बैंक ख़त्म हो जाएं, तो वो ख़त्म हो सकते हैं। यानी ये इस बात से तो बिल्कुल आपका इत्तेफाक है। जहाँ तक दूसरा सवाल है वो डॉक्टर साहब इसके बारे में बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि मैं एक फिक्र का तालिबे इल्म नहीं हूँ, वो वैसे मैंने एक राय ज़ाहिर की थी, तो उस पर डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बेहतर राय देंगे। लेकिन एक मेरा वैसे ज़िमनी सवाल है, यानी मैंने अगर आपसे घर किराए पर लिया और ये किराए पर लिया कि भाई आपका घर मैं इस्तेमाल करता हूँ, दो कमरे हैं और कमरे बढ़ नहीं रहे, और हर महीने के आखिर में आपको 15,000 किराया दूँगा, लेकिन जब अब वो किराया जो था मेरे ज़िम्मे वाजिब हो गया ना 15,000, तो क्या अगर 10 तारीख के बाद अगर मैं वो आपको वो किराया दूंगा तो आप मुझसे 16,000 ले सकते हैं? वैसे मेरा एक सवाल है, क्या उस सूरत में आप मुझसे 16,000 लेना जायज़ है? ये है कि वो 16,000 लेना सूद की बात नहीं है, बात ये कि ये जायज़ या नाजायज़। नहीं वो मैंने कहा नहीं, वो देखिए मेरा और आपका मामला ये तय हुआ था कि मैं आपको हर महीने इस घर के दो कमरे यानी जितने भी कमरे इस्तेमाल करूंगा उसके इतने फ़ी यूनिट जो है वो पैसे दूंगा, तय तो वो हुआ था। अब 1,000 जो आप जायद ले रहे हैं, क्या ये जायज़ होगा? ये किस मतलब इसका किस मुकाबिल आप 1,000 लेंगे? यानी तय तो ये हुआ था ना मैंने 15,000 देना है, आपने इजारे की बात की ना, सही, तो भाई अब 10 तारीख तक तो हजरत मैंने तय किया था ना मैंने 15,000 देना है, अब 15 तारीख को आप मुझसे 16,000 क्यों ले रहे हैं? नहीं, मेरी जो नफ़ी है वो सिर्फ सूद की नफ़ी है, बाकी मजीद उसमें आप क्या करते हैं, उसको माली सजा देते हैं, जिस्मानी सजा देते हैं, वो एक अलग से बात है ना। हाँ, नहीं ये सूद नहीं होगा, नहीं, नहीं सूद नहीं है, ये 16,000 में सूद नहीं, सूद नहीं है, क्योंकि मैं तो फिक्का तालिबे इल्म हूं, तो ये मेरे इल्म में नहीं है, बाकी डॉक्टर साहब इसकी तसरी करें। नहीं वो हजरत वो सवाल नहीं है, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इजारा है, सवाल फिकी हजरत ये है कि अगर इजारा है तो इजारे की उजरत पर कीमत बढ़ाई जा सकती है, ये सवाल है। इसके ऊपर दारुल उलूम का फतवा है, और अगर आप किसी भी इस्लामिक बैंक के अंदर ड्यू डेट के बाद बिल जमा करवाने जाएं तो वो बिल लेते ही नहीं है, वो लेते नहीं, रिसीव ही नहीं करते। अब उसका मतलब वो इसे सूद समझते हैं? जी जी, इसको सूद समझते हैं और कोई भी ड्यू डेट के बाद नहीं रिसीव करते। असल में मैं हजरत अर्ज़ करूं, मैं जब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में था तो हम मेस का बिल देते थे, तो वो मेस के बिल के ऊपर उन्होंने भी जुर्माना रखा हुआ था, तो मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा था कि भाई ये जुर्माना जो है क्या सूद है, तो उन्होंने कहा था ये सूद है, यानी क्योंकि आपने तो खाना खाया और खाने के तो इतना इवज़ है, तो मैंने उस पर क्यास किया। वैसे मैं फिक्का तालिबे इल्म नहीं हूँ, वो वैसे मैंने एक राय अर्ज़ की थी, बाकी वो क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है उस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। जी 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 हाँ, आप बाकी हजरत वो जैसे आप मुनासिब समझे आ दें। हाँ नहीं देखिए वो हजरत ये बात है कि इसमें खला मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, बेहतरी की गुंजाइश है। हाँ ये मतलब उस पर डिबेट चल रही है, यानी मैंने सिर्फ अर्ज ये किया था, हमारा ये पॉइंट नहीं था, हमारा पॉइंट सिर्फ ये था कि आप उस ढांचे के अंदर रहकर जब काम कर रहे हैं ना, यानी बिल्डिंग की असास तो वही है ना, तो आपको जा बजा हर कदम पर हर जगह कोई ना कोई मसला पैदा होगा,
यानी 1962 का जो बैंकिंग कंपनीज आर्डिनेंस जो कानून हमारे पास मौजूद है उसमें ये सराहत के साथ लिखा हुआ है कि बैंक असासा जात के साथ कोई तामुल नहीं कर सकते, ना चीज़ खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना कर सकते हैं। तो भाई इसका मतलब आपने तो उसी चुकट्ठे के अंदर ही रहना है ना, उसी ढांचे के अंदर रहना है। असल पॉइंट ये था, यानी असल में मसला ये है कि अभी जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं ये जुज़वी हैं ना, यानी ये जुज़वी हैं, इस पर जारी बात है, एक पूरी डिबेट मौजूद है। तो वो मसला उसके पीछे ये था। हाँ, लेकिन वो हज़रत सवाल ये है ना कि अब सवाल अपनी जगह मौजूद है, पैसे मेरे जेब में पड़े हैं, अब मैं पैसे क्यों नहीं दे रहा? यानी पैसे तो मेरी जेब में ही पड़े हैं ना, मैं कोई वो मतलब गरीब तो हूँ नहीं, लेकिन उस बंदे का जो कर्ज़ा मैंने अदा करना है वो कैसे अदा किया जाए? अब वो ठीक है, एक अपना मतलब शरीयत के मुतबादिल ये चीज़ें तजवीज़ की जा रही हैं, उस पर मैंने जैसे अर्ज़ किया 16-17 हल पेश किए गए हैं, उनके ऊपर बड़ा कलाम हुआ है मतलब अरब दुनिया में भी और इधर भी। तो बाकी वो जारी बात है, इल्तिज़ाम भी तसद्दुक में जगह, वो सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ये कैसा तसद्दुक है कि जो आपसे ज़बरदस्ती चैरिटी ली जा रही है, यानी कंपलसरी चैरिटी है ना। चैरिटी तो वो होती है कि जो मैं तीबे नफ्स से दूँ, खुशी से दूँ, तो ये कैसी चैरिटी है कि जो मुझे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है।